चलिए, क्या है एग्जाम्पल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट लेक्चर। पहला क्या है, इवेल्युएट इवेल्युएट आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ऑल्सो इंटरप्रेट इट ज्योमेट्रिकली, इट ज्योमेट्रिकली, ठीक है। हमें क्या पता है आई कैप जे कैप और के कैप का मतलब कितना होता है? इसका मतलब ये हो गया, आई क्रॉस जे डॉट के कैप, राइट। आई क्रॉस जे इज के कैप डॉट के कैप, दैट इज वन। ज्योमेट्रिकली क्या दिखाएगा वो? ज्योमेट्रिकली क्या दिखाता है? इट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन यूनिट, वन यूनिट विथ ईच साइड, विथ ईच साइड कितना होगा भाई? मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर, मॉडुलस ऑफ जे वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ के वेक्टर, दैट इज वन यूनिट, ठीक है। सो आई जे के कैप ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है और क्यूब की हर एक साइड कितनी है? वन यूनिट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है? आई कैप जे कैप के कैप प्लस आई कैप के कैप एंड जे कैप, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें कैलकुलेट? ये छोड़ा सा, ये हो गया आई कैप, एक मिनट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट के कैप, है ना। और ये क्या हो गया, आई कैप क्रॉस के कैप डॉट जे कैप, है ना। सो ये क्या हो गया, ये हो गया आई वेक्टर, आई क्रॉस जे क्या होता है आपको पता है, इट इज के कैप डॉट के कैप, राइट। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप डॉट जे कैप, आई क्रॉस के कितना होता है, माइनस जे कैप, है ना। हमने वेक्टर प्रोडक्ट में प्रूव किया था, तो के डॉट के कैप कितना होता है, वन, माइनस जे डॉट जे कितना होता है, वन, तो इट इज जीरो, इट इज जीरो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एबीसी वेक्टर। अगर आपसे कहा जाए फाइंड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कॉमास नहीं है, ये कॉमा नहीं है ना, हमारे नोटेशन में कॉमा नहीं थे, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, कॉमा सी वेक्टर, व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल टू, कितना है भाई ए वेक्टर, कितना है हमारा, टू आई कैप
माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, और सी वेक्टर कितना है थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, सो हम कैसे करते हैं, सो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, डिटर्मिनेंट से आप निकाल सकते हैं टू माइनस थ्री फोर, उसके बाद क्या आएगा, कल हमने प्रूव किया था वन टू माइनस वन, उसके बाद क्या आएगा थ्री माइनस वन एंड टू। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, टू इन टू कितना हो जाएगा फोर माइनस वन, फिर हो जाएगा प्लस थ्री इन टू, ये और ये वन, सो टू प्लस थ्री प्लस हो गया माइनस हो गया फिर प्लस फोर इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, सो कितना हो गया चार माइनस वन तीन और दो छः, तीन दो पांच तीन पंद्रह और माइनस अट्ठाईस। ठीक है, सो कितना हो गया माइनस सेवन। ठीक है, सो आपको ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose edges are given by क्या है भाई माइनस थ्री आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस फाइव के कैप कॉमा, दूसरा क्या दिया है माइनस फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप कॉमा, तीसरा दिया है आपको सेवन आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप। ठीक है, सो ये तीन एजेस दिए हैं, तो एक को ए वेक्टर कह सकते हैं हम लोग, एक को हमने कह दिया बी वेक्टर मान लो, एक को आप सी वेक्टर मान लो, तो क्या आता है भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पैरेलल पाइप, क्यूबॉइड नहीं है पैरेलल पाइप विथ साइड्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर विल बी, क्या होगी भाई हमें पता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले ले आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, तो जैसे ही आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो इसको डिटर्मिनेंट से कर देते हैं माइनस थ्री सेवन फाइव, ए के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स क्या हो गए माइनस फाइव सेवन माइनस थ्री, और सी के कंपोनेंट सेवन माइनस फाइव माइनस थ्री, डिटर्मिनेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ रहा है माइनस टू सिक्सटी फोर, है ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया वॉल्यूम विल बी 264 क्यूब यूनिट। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा वॉल्यूम, ठीक है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्यों आया, ये हो सकता है कि एबीसी के अपना डायरेक्शन इधर उधर ले लिए बस, और कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द वेक्टर्स, शो दैट द वेक्टर्स
वेक्टर इक्वल टू माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप, आर को प्लेनर। वी नो दैट सॉल्यूशन कैसा, हम क्या, हमें पहले से कल प्रूफ किया है, हमने क्या प्रूफ किया है, वी नो दैट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो। इसका मतलब कितना हो गया, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस टू प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर माइनस टू, और ये आ गया फोर माइनस टू, ये क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कितना हो गया भाई, माइनस टू इंटू माइनस एट प्लस फोर, फिर आएगा प्लस टू, फिर क्या आएगा फोर प्लस एट, फिर आएगा प्लस फोर, ये क्या फोर माइनस सिक्सटीन, कितना आ गया माइनस टू इंटू माइनस फोर, और ये क्या हो गया आठ चार बारह, बारह दूनी चौबीस, और ये कितना हो गया सो माइनस बारह माइनस अड़तालीस, है ना भाई, माइनस बारह माइनस अड़तालीस, सो ये कितना हो गया प्लस एट, ये कितना हो गया माइनस चौबीस। हमने क्या गलती करी भाई, चार दुनी आठ माइनस चार, इट शुड बी ट्वेंटी माइनस फोर, ये आना चाहिए था, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, माइनस फोर, तो इट विल बी माइनस ट्वेल्व, है ना, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा आप संभाल लेंगे, ये हो गया माइनस ट्वेल्व, ठीक, तो ये कितना हो गया माइनस ट्वेल्व, तो ये हो गया माइनस चौबीस, यहाँ हो गया प्लस चौबीस, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर इज कैंसिल आउट जीरो, ठीक है। इसका मतलब विच इम्प्लाइज ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है, आगे कर लेते हैं अगला। अगर आपसे अब पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर पॉइंट्स को कोप्लेनर में दिखाना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। शो दैट फोर पॉइंट्स शो दैट फोर पॉइंट्स whose position vector are क्या क्या वेक्टर दिए हैं, प्लस सिक्स आई कैप माइनस सेवन जे कैप कॉमा सिक्सटीन आई कैप माइनस ट्वेंटी नाइन जे कैप माइनस फोर के कैप थ्री जे कैप माइनस सिक्स के कैप कॉमा टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस टेन के कैप आर को लीनियर को प्लेनर, आर को प्लेनर, ठीक है।
ये चारों वेक्टर को प्लेनर हैं, ये हमको दिखाना है। सो ये चार पॉइंट्स हैं, ये क्या है, चार पॉइंट्स है। तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या मान लिया हमने, 6i cap - 7j cap। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या मान लिया हमने, 16i cap - 29j cap - 4k cap। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी कितना मान लिया, 3j cap - 6k cap। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज 2i cap + 3j cap + 10k cap। ठीक है। सो इफ ए बी सी डी आर कोप्लेनर देन, हमने पहले पढ़ा था ना, ए बी वेक्टर कॉमा एसी वेक्टर कॉमा एडी वेक्टर विल बी कोप्लेनर विच इंप्लाइज ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर डॉट एडी वेक्टर विल बी जीरो। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो काम बन जाएगा। सो ए बी वेक्टर कितना है हमारा, ए बी वेक्टर कितना आएगा भाई, 16i cap - 29j cap - 4k cap - 6i cap - 7j cap, ये हो गया। एसी वेक्टर कितना होगा, 3j cap - 6k cap - 6i cap - 7j cap। एडी वेक्टर कितना होगा, 2i cap + 3j cap + 10k cap - 6i cap - 7j cap। ठीक है, ये जरा मैं चेक कर लेता हूं, यहाँ पे ये 2 5 है ना यार, यहाँ पे स्प्रिंट है, यहाँ आएगा 5 + 5j cap। ठीक है, एसी वेक्टर ठीक है हमारा और सभी ठीक है। ठीक है, सो इनको माइनस कर लीजिए, 16 - 6 कितना हो गया, मैं लिख लेता हूँ 10i cap - 22j cap, उसके बाद कितना हो गया, -4k cap, ये इतना हो गया। इसके बाद दूसरा कितना होता है, -6i cap + 10j cap - 6k cap, और ये कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, -4i cap + 12j cap, उसके बाद कितना आ रहा है, +10k cap। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, इसकी वैल्यू कैसे आएगी डिटरमिनेंट से, 10 - 22 - 4 - 6 - 10 - 6 - 4 - 12 - 10। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करें, दैट शुड बी जीरो। तो जीरो आते हम क्या कह देंगे, पॉइंट ए बी सी डी क्या होगा, कोप्लेनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ
ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, चलो। सो ये प्रूफ तो इजी है, जस्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क्या है एक सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है लिख लो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये होगा। इसका मतलब यही हुआ भाई। सो आप इसको सॉल्व करें, सो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये हो गया। बी क्रॉस भी कितना हो जाएगा, जीरो। बी क्रॉस भी कितना हो जाएगा, जीरो, बाय द डेफिनेशन इनके बीच का एंगल जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो हो गया, बात खत्म। अब इसको खोल देते हैं फिर से। सो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, ठीक है। फिर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया, प्लस फिर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया, फिर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आने वाला है। ठीक, सो आप ये देखें क्या लिखा है, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या लिखा है, ए बी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, ए सी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या है, ए सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या है, बी सी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या है, बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये सब खत्म। ठीक है, ये सब खत्म। तो क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, है ना, ये लिखा है। सो ये दोनों तो सेम ही है, कल फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी। सो दिस इज सेम एज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड अगेन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, है ना। साइक्लिक परम्यूटेशन हमने दिखाया था, तो एक साइकिल में थे ना, तो ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, सी की जगह ए है, तो ये दोनों सेम ही है। तो इट इज टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई ज्यादा अलग चीज नहीं मिलने वाली, कोई ज्यादा 30 मार्क खान चीज नहीं मिलने वाली। ठीक है, बहुत ही बेसिक अगर आप डेफिनेशन से करते रहे हैं तो हो गया। शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर्स आर को प्लेनर, ऐसे लिखा है आर को प्लेनर। सो एबीसी वेक्टर को प्लेनर है तो ये होगा, ये है तो को प्लेनर होगा। सो प्रूफ करते हैं, और लास्ट वाला हमारा बहुत काम का है। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को प्लेनर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो गया, जीरो, है ना, विच इम्प्लाई दिस। और आप इसको चाहो तो टू से ही मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट विल बी जीरो। एंड फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन राइट इट, इट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना। अभी हमने प्रूफ किया, इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर कोप्लेनर। और ये रिवर्स भी आप ऐसे करते हुए चले जाएंगे, आप रिवर्स करते हुए चले जाएंगे तो आपको दूसरी कंडीशन भी मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर को प्लेनर, आर को प्लेनर। ठीक है, सो ए बी सी गिवन क्या है, यहाँ पे जो गिवन है अपने को, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को प्लेनर, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो गया, जीरो। प्रूफ क्या करना है हमें, we need to show a minus b vector minus c vector minus a vector equal to zero show करना है। ठीक है, so इधर से चालू करो, इसका मतलब क्या है, a vector minus b vector cross b vector minus c vector पूरे का डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये होता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, सो ये जीरो दिखाना है, मतलब चलते हैं। सो क्या आएगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C वेक्टर, है ना, अंदर खुल गया सभी। उसके बाद क्या आएगा, C वेक्टर माइनस ए वेक्टर, खोल दो फिर से। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया, फिर क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया, फिर क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर आएगा, प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा,
फिर क्या आएगा भाई, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, फिर आएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। अभी देखें आप कल वाली प्रॉपर्टी याद रखेंगे है ना, कि जिसमें दो सेम हो गए वो गए, सब जा रहे हैं, सब गए सब, ठीक है, दो बचे हैं अभी। अब वो दोनों भी सेम है, ए बी सी, ए बी सी का स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये क्या लिखा है बी सी ए का स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों सेम है ना। सो क्या ए बी सी माइनस ए बी सी दैट विल बी जीरो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो गया कोप्लेनर। यहां लिख लो आप सॉल्विंग एलएचएस है ना, और जीरो हम ले आए, ठीक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द वेक्टर्स If the vectors क्या क्या वेक्टर है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप ए जे कैप ए आई कैप ए जे कैप प्लस सी के कैप, बीटा वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप कॉमा गामा वेक्टर इज इक्वल टू सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस डी के कैप, आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट सी इज ज्योमेट्रिक मीन, सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आना चाहिए, ठीक है। सो हमें पता है वी नो दैट इफ अल्फा वेक्टर कॉमा बीटा वेक्टर कॉमा गामा वेक्टर इज कोप्लेनर देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दी शुड बी जीरो, ठीक है, विच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए ए सी 101 बीटा का, फिर क्या आएगा सी सी बी डिटर्मिनेंट निकालो जरा आप। सो ए इंटू कितना आएगा ए इंटू माइनस सी ए इंटू ये और ये बंद है ना, तो बी माइनस सी, फिर क्या आएगा प्लस सी इंटू सी इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या हो गया माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माइनस ए सी प्लस ए सी खत्म, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, विच इंप्लाई सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, सी क्या हो गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया ए बी का। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स A vector, B vector, comma C vector, so that
शो दैट ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करें जी प्रूफ? सिंपल, बाय डेफिनेशन हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो क्या शुरू करते हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? ये पहले लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आया डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना आएगा? ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट से फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो आप, कितना आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी डॉट ए वेक्टर आएगा। फिर क्या आएगा? प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। फिर क्या आ रहा है? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। फिर क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया। आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखें आप, सी ये खत्म, ये खत्म, और ये भी खत्म, दो वेक्टर जहां जाएंगे वो सब खत्म। ठीक है, सो ये दोनों बचे, क्या क्या बचे भाई? ये हो गया ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बचा, प्लस ये क्या हो गया? ए सी बी का है, ए सी बी का है। ठीक है, सो आप देखेंगे कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये एक दूसरे के नेगेटिव है कि नहीं, ये आप देखेंगे। ये अगर आप इसको एक अगर कोई भी चेंज करते हैं, चलो करके देखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ना, अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ सो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये आएगा। अब हमें पता है ए बी सी, वी नो दैट ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट विल बी सेम एज बी सी, ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमने कल हमने प्रूव किया था। सो ये हो गया ए बी सी माइनस ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज जीरो एंड प्रूव्ड। ठीक है, एंड प्रूव हो गया। ओके, सो इसी टाइप के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं।